हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया बेटा। सो वेलकम बैक अगेन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है ट्राइंगल एंड सर्कल। तो बेटा इस चैप्टर में हम लोग ट्राइंगल और सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल क्या होता है बेटा? जिसकी थ्री साइड हो, और सर्कल जिसकी कोई भी साइड नहीं होती है। ठीक है, कर्व लाइक शेप होती है सर्कल की। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जल्दी आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, ट्राइंगल अ क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाई थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। यही मैंने बोला था, जिसकी थ्री साइड होती है वो ट्राइंगल होता है। तो बेटा क्या है ट्राइंगल? हमारा एक क्लोज स्ट्रक्चर है जो कि बाउंडेड होता है बाई द हेल्प ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट। देखिए, इट हैज सिक्स एलिमेंट्स नेम थ्री साइड थ्री एंगल। जो हमारा ट्राइंगल है बेटा, उसके अंदर सिक्स एलिमेंट होते हैं। तीन साइड होती है, यानी कि थ्री साइड होती है, 1, 2, 3। और थ्री बेटा क्या होते हैं? एंगल होते हैं। ओके, इन द एडजेसेंट फिगर, हमारा देखो जैसे फिगर दिया हुआ है, ए बी, बी सी और सी ए। ए बी, बी सी और सी ए हमारी साइड है, और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर थ्री एंगल। ये तीनों के तीनों के बेटा क्या है? एंगल है, जो मैंने आपको मार्क करके दिखाए। आगे मूव करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल बेटा अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हमारा क्या है? स्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। एंगल के बेसिस पे अलग ट्राइंगल होते हैं, और साइड के बेसिस पे अलग ट्राइंगल होते हैं। अगर जब हम लोग साइड के बेसिस पे बात करें, तो बेटा ट्राइंगल तीन टाइप के होते हैं, आइसोस्केलस, स्केलस और इक्विलेटरल। स्केलस ट्राइंगल की बात करें तो बेटा ऐसे ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड बेटा क्या हो, तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल बेटा जिनमें हमारे क्या है, दो साइड की लेंथ इक्वल हो और तीसरी साइड की लेंथ हमारी डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोस्केलस ट्राइंगल। वही बेटा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि जिस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखो जल्दी से आ जाओ। देखो, स्केलस ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच मेजर ऑल साइड्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलस ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल बेटा जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल, देखो स्केलस ट्राइंगल यहाँ पर 4, 6 और 5, ये हमारे क्या तीनों की तीनों डिफरेंट दी हुई है। आगे बात करते हैं स्केलस ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच मेजर टू साइड आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल किसको बोलते हैं बेटा? जिसमें तीनों के तीनों साइड हमारी क्या हो, डिफरेंट दी हुई हो, सॉरी दो साइड सेम हो, तीसरी साइड से डिफरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोस्केलस। देखो यहाँ पर ये दोनों 7 है और ये हमारी क्या है? 6 है। वही हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल आर दैट टाइप ऑफ ट्राइंगल मेजर ईच साइड आर इक्वल। तीनों के तीनों साइड क्या रहेंगे बेटा? एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। आगे बात करेंगे, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ये प्रॉपर्टी है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई सा भी ट्राइंगल हो, आप कोई भी दो साइड ले लो, उन दोनों साइड की लेंथ तीसरी साइड की लेंथ से, उन दोनों साइड की लेंथ का सम तीसरी लेंथ की, तीसरी साइड की लेंथ से ज्यादा आएगा। अगर जो कम आ रहा है तो मतलब वो ट्राइंगल परफेक्ट नहीं है बेटा। ओके, आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। देखो मैंने जैसे आपको बोला था, एंगल के बेसिस पे भी ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला क्या है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या बेटा? जहां पर हमारे जो ट्राइंगल है उसके एंगल क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देखिए, अ ट्राइंगल इन विच मेजर ऑफ द ईच थ्री एंगल इज लेस देन 90। देखो तीनों के तीनों एंगल बेटा क्या है? 90 डिग्री से कम है, तो बेटा क्या होंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बेटा? जहां पर हमारा एटलीस्ट एक एंगल हमारे ट्राइंगल के अंदर क्या हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, अ ट्राइंगल इन विच मेजर ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे बेटा देखो यहाँ पर एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, तो इस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या बेटा? कि हमारे ट्राइंगल के अंदर हमारा एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच मेजर ऑफ वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देखो यहाँ पर एक एंगल क्या बेटा? 90 डिग्री से ज्यादा है। एक चीज बेटा याद रखना, जो हमारे ट्राइंगल होता है उसमें तीन एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम बेटा 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। तीनों एंगल का सम ऑलवेज कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग आगे। देखिए क्या बोला गया, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हमारे एंगल के ट्राइंगल के जो ट्राइंगल होते हैं उनके तीनों एंगलों का सम क्या होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे इन दी सेंस अब हमें क्या है, दो एंगल दे दिए, एक 20 डिग्री दे दिया, दूसरा 40 डिग्री दे दिया। ठीक है, और हमें क्या है, थर्ड एंगल को फाइंड करना है। थर्ड एंगल हमें नहीं पता, तो इक्वल्स टू 180 करो, इन दोनों का एडिशन करो 60 डिग्री। तो क्या कर दो, 180 माइनस 60 डिग्री कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 120 डिग्री होगा।
ठीक है, और यानी कि 120 डिग्री आ गया, तो मतलब कि वो ट्राइंगल कैसा बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे देखो यहां पर बताना है, नेम दी वर्टिसेस साइड एंड एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल के साइड वर्टिसेस बताने हैं। देखो इसमें क्या है बेटा, कितने साइड है, कितने वर्टिसेस है, देखो वर्टिसेस साइड एंड एंगल। देखो इसमें क्या है बेटा, एंगल कितना है बेटा हमारा, 90 डिग्री से लेस देन है। एंगल हम लोग मेजर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डी, हमारे पास इसमें डी नहीं है, ये 90 डिग्री है, इसको आपको खुद से देख लेना। स्टेट व्हाइल द ट्राइंगल इज स्केलस, आइसोस्केलस और इक्वल ट्रेड। देखो तीनों साइड इक्वल है मतलब डिफरेंट है तो स्केलस, दो साइड सेम है एक डिफरेंट है तो आइसोस्केलस, और तीनों साइड सेम है तो बेटा हमारा इक्विलेटरल। ऐसे रिमेनिंग क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद से देना है। आगे मूव करते बेटा, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग हमें क्लासिफाई करना है। तीनों एंगल बेटा 90 डिग्री से एकदम, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल, और बेटा हमारा क्या है ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो बेटा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। रिमेनिंग थ्री पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है। आगे देखो आगे क्या बोला गया है, इज आर ट्राइंगल पॉसिबल विद फॉलोइंग गिवन साइड। हमारी इन साइड के अकॉर्डिंग बेटा ट्राइंगल पॉसिबल है क्या, देखो देख लेते हैं। हम लोगों को क्या चेक करना है, दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होगा, ज्यादा होगा। इन दोनों साइड का सम हमने ऐड किया, तीसरी साइड से ज्यादा है। इन दोनों का साइड क्या, तीसरी साइड से ज्यादा है। इन दोनों का ऐड किया, तीसरी साइड से ज्यादा, यानी कि ये होगा। इन दोनों को ऐड किया तीसरी साइड से ज्यादा, इन दोनों को ऐड किया तीसरी साइड से ज्यादा, इन दोनों को ऐड किया तीसरी साइड से ज्यादा, यानी कि ये भी होगा। तो क्या करो बेटा, दो साइड का सम करो, तीसरी साइड से अगर जो ज्यादा है तो मतलब कि क्या है बेटा, वो ट्राइंगल पॉसिबल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3, 4 और 5 है, क्या है बेटा 9 है, इक्वल है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं होगा। ये बेटा 13 है, ये भी ये दोनों देखो, ये इन दोनों का सम अलग है, इन दोनों का सम 13 है, इक्वल है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे आप लोगों को चेक कर लेना है। आगे मूव करते हैं, इज आर ट्राइंगल पॉसिबल विद द एंगल 180 दिस, इन एंगल के साथ में क्या ट्राइंगल पॉसिबल है, इनका एंगल का एडिशन कर लो, अगर जो 180 डिग्री से ज्यादा है या कम है तो बेटा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। जैसे इसका एडिशन करेंगे कितना होगा, 170 डिग्री, यानी कि पॉसिबल नहीं है। इसका एडिशन कितना होगा बेटा 70, 140, 200 डिग्री, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका एडिशन कितना होगा बेटा 80 और प्लस 80 कितना होगा बेटा 160, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका बेटा 180 होगा, पॉसिबल है। इसका बेटा कितना होगा 180 होगा, ये भी पॉसिबल है। इसका बेटा कितना होगा 180 होगा, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। मेजर ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर द मेजर ऑफ टू एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर 40 डिग्री एंड 75 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। देखो बेटा दो एंगल हमें पता है, तीसरा एंगल निकालना है, तो 40 दोनों का ऐड करो और 180 में से माइनस कर दो, थर्ड एंगल पता लग जाएगा। अभी करके दिखाया था सेम ऐसे ही क्वेश्चन, टू एंगल हमें दिए हुए हैं और हमें थर्ड एंगल बताना है। मेजर द टू एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर 40 एंड 50 डिग्री, मेजर द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल एंड गिव द स्पेशल नेम ऑफ द ट्राइंगल। हमें क्या करना है, थर्ड एंगल को फाइंड करना है और उस ट्राइंगल का हमें स्पेशल नेम लिखना है, ठीक है। अगर जो 90 डिग्री से कम आए तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री आए तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, और 90 डिग्री से ज्यादा आया वो एंगल तो बेटा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ टू एंगल ऑफ एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। बेटा आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल को हमें फाइंड आउट करना है, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोस्केलस ट्राइंगल का मतलब क्या बेटा, दो साइड इक्वल, ठीक है। अब एक एंगल जो 90 डिग्री है उससे रिमेनिंग दो साइड अगर जो इक्वल है तो बेटा क्या होगा, 45 डिग्री के दोनों एंगल होंगे, ठीक है। एन इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इफ मेजर ऑफ वन एंगल इज 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल। अब देखो बेटा एक एंगल जो 40 डिग्री है तो रिमेनिंग दोनों इक्वल एंगल की हमें लेंथ बतानी है, दोनों इक्वल एंगल है, यानी क्या होगा बेटा वहां पे क्या हो जाएगा, 180 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 140 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 70 के दोनों एंगल होंगे ना, ठीक है। चलिए आगे बात कर जाते हैं, आगे आ जाते हमारे क्या कंस्ट्रक्शन करना बेटा। ये बेटा आप लोगों को पूरा का पूरा प्रैक्टिकली होगा, और ये मैं आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को समझा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ना तो यहाँ पर डी है ना ही कंपास है, और ऐसे इसको पॉसिबली भी नहीं है। तो इसको बेटा आपको टीचर ही बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बेटा कंपास लेकर के मेरे पास में लेंथ, मैं देखो इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर लेंथ मेरी क्या है बेटा, जूम इन जूम आउट हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग ये प्रैक्टिकली आप लोग अपने स्कूल के अंदर टीचर जो आपके हैं वो आपको ये कराएंगे, तो इसके लिए सॉरी फॉर डैट कि ये बेटा पॉसिबल नहीं है, है ना, ये प्रैक्टिकली यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे मूव करते हैं बेटा, अब हम लोग सर्कल की तरफ, किसकी तरफ मूव करते हैं, सर्कल। अब देखो सर्कल क्या होता है, सर्कल इज कॉल्ड अ क्लोज कर्व। सर्कल क्या होता है बेटा, एक क्लोज कर्व होता है। इन सर्कल ऑल पॉइंट्स
आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फॉर द सेंटर पॉइंट। अब देखो सर्कल में चाहे किसी भी पॉइंट को ले लो, सेंटर पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पर ही होगा। दिस पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस जो हमारा ये पॉइंट रहता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। द सिंबल ऑफ द सर्कल इज एक्सपेंडेड एज, जो हमारा सिंबल होता है सर्कल का वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है बेटा, पार्ट्स ऑफ सर्कल के बारे में बात करेंगे। द पार्ट्स ऑफ सर्कल आर गिवन बोलो, जैसे रेडियस। देखो बेटा हमारे सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। जो सर्कल को कंप्लीट हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, डायामीटर आर द सर्कल लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल जॉइन टू पॉइंट्स। क्या बोलता है लाइन सेगमेंट का हमारे क्या होता है डायामीटर, जो हमारा एक लाइन सेगमेंट हो जाए जो बाईपास होता है बेटा किस पे, सेंटर ऑफ द सर्कल से, है ना, और दो पॉइंट्स को मिलाता है। आगे मूव करते हैं सर्कल के अंदर, नेक्स्ट आता है हमारा कोड। कोड क्या होता है बेटा, हमारे जो दो पॉइंट को मिलाता है अदर देन हमारा क्या है, डायामीटर। देखो ये जो रहेगा, ये जो रहेगी, ये जो रहेगी, ये सब हमारे क्या बेटा, कोर है। ठीक है, डायामीटर को भी हम लोग कोर बोलते हैं, और डायामीटर को बोलते हैं हम लोग क्या, लार्जेस्ट कोर ऑफ द सर्कल। ठीक है, लार्जेस्ट कोर ऑफ द सर्कल। बात कर लेते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस किसको बोलते हैं बेटा, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं हम लोग बेटा जो ये आउटर एरिया रहता है, यानी कि जो ये आउटर एरिया है, जैसे मान लो आपके पास में कोई सर्कुलर पार्क है, उस पार्क के आउटर एरिया में आपने कितना तार बांधा, ठीक है, वो हमारा क्या रह जाएगा, सर्कमफ्रेंस। जैसे हम लोग रेक्टेंगल स्क्वायर में पैरामीटर निकालते हैं, ऐसे हम लोग बेटा सर्कल में क्या निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। ठीक है, आर्क किसको बोलते हैं, आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस बिटवीन टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। आर्क का मतलब क्या बेटा, सर्कमफ्रेंस पर कोई भी दो पॉइंट ले लेना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आर्क बोलते हैं। ठीक है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल किसको बोलते हैं बेटा, सर्कल के एक सर्कल के दो हिस्से कर देना, एक सर्कल के दो हिस्से कर देना, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, आगे बात कर जाते हैं हमारा क्या, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा, जो सेमी सर्कल है उसके भी टू पार्ट्स कर देना, सेमी सर्कल के भी टू पार्ट्स कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेंट बोलते हैं। आगे मूव करते हैं, देखिए फ्रॉम द फिगर गिवन अबाउ इट इज क्लियर दैट, देखिए क्या बोला गया, द लाइन सेगमेंट ओ एक्स, जो हमारी लाइन सेगमेंट है ओ एक्स, देखो ये वाली, ठीक है, विच जॉइन द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट टू द एक्सटर्नल ऑफ द सर्कल, जो कि हमारे ज्वाइंट कर लिया सेंटर ऑफ द सर्कल को सर्कल के बाहर से किसी पॉइंट से। दिस लाइन सेगमेंट इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सर्कल, अब जो ये लाइन सेगमेंट है बेटा क्या होगी, ग्रेटर देन होगी रेडियस की सर्कल से, सर्कल की रेडियस से। द लाइन सेगमेंट ओ वाई, जो हमारी लाइन सेगमेंट बेटा क्या है, ओ वाई है। अब ओ क्या है बेटा, इंटरनल पार्ट में है सर्कल के, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, जो ये लाइन सेगमेंट ओ वाई बेटा ये स्मॉलर होगी हमारी किससे, रेडियस से। तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर जो कोई पॉइंट हमारा सेंटर से एक्सटर्नल पार्ट में सर्कल के हमारा मैच हो रहा है, कोई लाइन सेगमेंट बना रहा है, तो बेटा उसकी लेंथ रेडियस से बड़ी होगी, यानी कि लार्जर होगी। वहीं कोई सेंटर से इनर साइड में कोई पॉइंट के बीच में, पॉइंट से हमारा लाइन सेगमेंट बन रहा है सेंटर से उस पॉइंट तक, तो बेटा वो हमारा क्या होगा, रेडियस से उसकी लेंथ क्या होगी बेटा, स्मॉलर होगी। ओके, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा रहता है क्या, कोन सेंटर सर्कल। ठीक है, या फिर कोन सेंट्रिक सर्कल। कोन सेंट्रिक सर्कल आर द सर्कल विच कंसिस्ट ऑफ सेम सेंटर, हमारे क्या है बेटा, कोन सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, ऐसे सर्कल्स जो कि हमारे ड्रॉ हो रहे हो एक ही सेंटर से। जैसे देखो पी सर्कल भी ए ही सेंटर से ड्रॉ हुआ है, क्यू भी ए से ही ड्रॉ हुआ है, और आर भी ए सेंटर से ही ड्रॉ हुआ है। ओके बेटा, आगे बात करते हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सब हम लोग सोल्व करेंगे। चलो देखो क्या बोला गया, ड्रॉ अ सर्कल विद द रेडियस, देखो ऐसा सर्कल, देखो ये सब आप लोगों को बेटा खुद से ही करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सभी आप लोगों को पहले आपको मम्मी पापा से बोलना है, जो भी आपका मम्मी पापा है किसी को भी बोल देना कि मम्मी या पापा मुझे ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, वो आप लोगों को दिलवा देंगे। ठीक है, उसके अंदर बेटा एक कंपास आता है जिसके हेल्प से आप लोग क्या बनाते हो, सर्कल बनाते हो। आपको स्केल में क्या करना है, 6 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी है, कंपास में इस तरीके का रहता है, 6 सेंटीमीटर लेना, जो उसका निडल पॉइंट है उसको पेपर पर रखना, और जो पेंसिल है उसके सेकंड एंड पर लगाना, और ऐसे घुमा देना, तो आपका एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमें रेडियस 6 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, और 4.5 सेंटीमीटर का बनाना है सर्कल, या आप लोगों को खुद से करना है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3.5 रेडियस एंड ड्रॉ अ रेडियस अ डायमीटर एंड अ कोर, हमें 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है, उसके अंदर बेटा हमें रेडियस भी शो करनी है, डायमीटर भी शो करना है, और कोर भी शो करना है। ठीक है बेटा, आगे मूव करते हैं, ड्रॉ अ सेंटर, जो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 5.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओ एक्स 2.9 सेंटीमीटर,
हैविंग वन एंड ओ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखो हम एक ड्रॉ करना बेटा सर्कल 5.5 सेंटीमीटर का, ठीक है, इतनी रेडियस वाला। अब क्या करना बेटा, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना ओ एक्स, यानी कि इंटरनल पार्ट में कोई पॉइंट है एक्स, ठीक है। इसको मैं देखो करके दिखा देता हूँ। देखो मान लो आपका कोई सर्कल है, ठीक है, अब इसके इंटरनल, ये हमारा क्या है ओ, कोई सेंटर है, इंटरनल पार्ट में कोई एक्स पॉइंट है, यहाँ से हमारा एक लाइन सेगमेंट बना 2.9 सेंटीमीटर का। ओके बेटा चलिए आगे मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल सर्कमफेरेंस 4.5 सेंटीमीटर एंड पुट अ पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है 4.5 सेंटीमीटर पर रखना है और वहां से एक सर्कल ड्रॉ कर लेना। राइट द रेडियस या फिर रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग डायमीटर। बेटा इतना डायमीटर है तो 7.6 अगर जो डायमीटर है डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो बेटा कितना आ जाएगा 3.8 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा, हमारी रेडियस आ जाती है। ओके फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग द रेडियस। रेडियस इतनी है इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दो तो बेटा 10 आ जाएगा डायमीटर, ठीक है। हमें पता है क्योंकि बेटा डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कि 1 मीटर डायमीटर इक्वल्स टू हमारा क्या रहेगा 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर रेडियस इक्वल्स टू हमारा क्या रहेगा 1 सेंटीमीटर रेडियस इक्वल्स टू क्या रहेगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब कि 2 सेंटीमीटर डायमीटर होगा। ओके बेटा लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक। देखो पी पॉइंट क्या है बेटा, पी पॉइंट क्या है सेंटर है, पी क्यू क्या है बेटा, पी क्यू क्या है बेटा रेडियस है, आर एस क्या है डायमीटर है, टी यू क्या है बेटा कोर है। ओके अब देखो यहां पर हमारा पी क्या है बेटा, पी क्या है बेटा हमारे पास में, ये देखो पी हमारा क्या बेटा क्वाड्रेंट है, क्यू बेटा हमारे के पास में क्या है सेंटर है, और एस हमारे पास में क्या है बेटा, एस हमारे पास में क्या है एक हमारा क्या है यहां पर ये रेडियस पॉइंट है, ठीक है, फिर कोई पॉइंट है किसके ऊपर हमारे सर्कमफ्रेंस के ऊपर। ओके चलिए आगे वर्कशीट सोल्व कर लेते बेटा, आ जाओ देखो द सम ऑफ एंगल ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एंगल कैन फ्रॉम ट्राइंगल। अब इनमें से कौन सा सेट बेटा ट्राइंगल बनाएगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। 80, 40 कितना होगा 120, और 120 और 50 कितना होगा बेटा 170 नहीं बनाएगा। 80 और बेटा 30 कितना होगा 110, और 70 कितना होगा बेटा 180 ये बनाएगा। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 15.5 सेंटीमीटर इज, बेटा क्या होता है 2πr होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, कितना होता है 2πr। देखो हमारे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हमने क्या बोला 2πr, पाई की वैल्यू बेटा होती है 22/7, ठीक है, और यहाँ पर क्या है r की वैल्यू क्या हो जाएगी 15.5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा 2 से 2 कट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये, इसको हम लोग कैलकुलेट करके लिखेंगे तो ये लगभग अप्रोक्स जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आप लोग टिक कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड डायमीटर डी। तो डी इक्वल्स टू 2r होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, डी इक्वल्स टू 2r होता है। द लार्जेस्ट कोर ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। राइट ट्रू और फॉल्स, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल, बिल्कुल सही बात है ट्रू। द सेमी सर्कल इज एन आर्क, सेमी सर्कल क्या होता है बेटा आर्क होता है। द एक्यूट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स ऑल एंगल एक्यूट, हर एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल का हर एंगल एक्यूट होते हैं, सही है। इसमें बेटा आपको राइट और रॉन्ग करके लिखना है, अपने अकॉर्डिंग इनको रीड करना हो, राइट और रॉन्ग इनको लिखना, ठीक है। आगे मूव कर लेते हैं, देखो हमारा क्या था फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 8.4 है, डबल कर दो, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 105 सेंटीमीटर, हमें रेडियस फाइंड करनी है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 1.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 7.7 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल निकाल लें 2πr से, ठीक है। चलिए फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 2.1 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 7.7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सर्कल निकालना बेटा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr स्क्वायर, ठीक है। चलिए ट्राइंगल ABC इज एंगल 60 बी 40 सी एंगल क्या आएगा बेटा 40 प्लस 60 100 सी 100 माइनस 180 कितना हो जाएगा 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, एंगल बी भी हमें पता लग गया है, सी भी हमने पता लग गया एंगल ए बी। अब देखो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी इक्वल टू एंगल बी सी बी ए, फाइंड ईच एंगल, हमें एंगल हर एक एंगल फाइंड करना है, अगर जो हर एक एंगल क्या एक दूसरे के इक्वल्स टू में है तो बेटा हर एक एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा। प्रूव एक्सपेरिमेंटली डैट इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरेक्ट ईच अदर द पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, बेटा क्या होगा जो टू सेम लाइन हमारे इंटरेक्ट कर लिया ईच अदर को
तो वर्टिकली जो सेम एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे भैया, सारे का एंगल 90 डिग्री होगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या दिया बेटा, टाइम एंड टाइम टेबल। ओके, तो चैप्टर नंबर 16 बेटा हमारा ट्राइंगल एंड सर्कल खत्म हो गया। चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने आपको होमवर्क के लिए दी है, तो होमवर्क ज़रूर कंप्लीट कर लेना, और जो मैंने आपको वर्क बोला है कि टीचर आपको बताएंगे, वो टीचर से ज़रूर पूछ लेना। ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।